हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर श्रीधर बोतुल है और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल वाइस मूवी रिव्यूज़ पर। आज हम ट्रेलर रिव्यू करने वाले हैं एक ऐसे मूवी का जिसके लेखक और दिग्दर्शक मिस्टर नागराज मंजुले हैं, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर्स अजय अतुल हैं, जिसमें रिंकू राजगुरु जिसको हम लोग आर्ची के नाम से जानते हैं और आकाश थोसर जिसको हम लोग परशा के नाम से जानते हैं काम कर रहे हैं। क्या इन सब नामों को सुनकर आपके दिमाग में कुछ घंटी बज रही है? तो ये घंटी बिल्कुल सही है, बिकॉज ये वही टीम है जिसने हमें मराठी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर दिया है जिसका नाम है सैराट। अब इमेजिन करो कि इस टीम में अगर हम लोग सदी के महानायक मिस्टर अमिताभ बच्चन को जोड़ दें तो ये टीम कैसे लगेगी? ये टीम नहीं रहेगी, ये एक झुंड बन जाएगी। झुंड मूवी का ट्रेलर आज ही रिलीज़ हुआ है यूट्यूब पर और ट्रेलर के आते ही इसने बहुत क्यूरियोसिटी क्रिएट की है। तो हम इस ट्रेलर को एनालाइज करते हैं कि इस ट्रेलर से हमको क्या समझ में आ रहा है। बेसिकली ये एक बायोग्राफिकल स्पोर्ट्स ड्रामा है जो एक कॉलेज प्रोफेसर के ऊपर बेस्ड है, जो एक स्लम के जो बच्चे रहते हैं उनको लेकर ये एक सॉकर टीम बनाते हैं। ये जो स्लम के बच्चे हैं वो एक नंबर के अडियल, गुस्सेल, मारपीट करने वाले। इनमें से कुछ बच्चे तो चोरी भी करते हैं और कुछ बच्चे ड्रग्स भी लेते हैं। ऐसे बच्चों में ये जो प्रोफेसर है जो अमिताभ बच्चन प्ले कर रहे हैं उनको पोटेंशियल दिखता है कि ये आगे जाकर एक नेशनल फुटबॉल टीम बना सकते हैं। तो पूरे ट्रेलर में हम यही देख रहे हैं कि अमिताभ बच्चन के सीनियर्स हो या उनके कलीग्स हो, उनको डिस्करेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बच्चों से कुछ नहीं हो सकता, ये बच्चे सिर्फ गंदगी फैला रहे हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन को कहीं ना कहीं अपनी टीम पे बहुत विश्वास और बहुत फोकस है, बहुत बहुत उम्मीदें हैं अपनी इस टीम से। अगर हम कहानी की बात करें तो कहानी में कुछ नयापन नहीं दिखता, क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने काफ़ी सारे प्रीवियस मूवीज़ में देखा है। अगर हमने ABCD मूवी देखा है तो उसमें भी एक सिमिलर कॉन्सेप्ट है जिसमें प्रभु देवा कुछ गरीब बच्चों को या स्लम के बच्चों को एक साथ लाकर उन्हें ट्रेन करके एक कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ डांस प्लेटफॉर्म पे उनसे परफॉर्मेंस करवाते हैं। अगर हमने Super 30 देखा है तो Super 30 में भी सिमिलर कॉन्सेप्ट है जिसमें अंडर प्रिविलेज बच्चों को ऋतिक रोशन के कैरेक्टर जो प्रोफेसर रहते हैं ट्रेन करते हैं और उनको कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करते हैं। सिमिलर कॉन्सेप्ट हमने यशराज फिल्म्स के हिचकी में भी देखा था, जिसमें रानी मुखर्जी कुछ अंडर प्रिविलेज बच्चों को ट्रेन करके उनको मोल्ड करती है अपने लाइफ की सिचुएशंस फेस करने के लिए। सो कहानी में नयापन नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट जो कहानी के लेखक हैं वो नागराज मंजुले हैं, और नागराज मंजुले एक बहुत ही सुलझे हुए और मंजे हुए लेखक और डायरेक्टर भी हैं। नागराज मंजुले ने मराठी इंडस्ट्री में अपना एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाया है और होपफुली इस फिल्म के साथ वो हिंदी इंडस्ट्री में भी अपना एक सेपरेट जगह बनाएंगे। जहाँ तक हम अजय अतुल की बात करें तो अजय अतुल का म्यूज़िक मराठी इंडस्ट्री में इतना ज़बरदस्त है, उन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जिस तरीके का रिस्पेक्ट हम AR रहमान को बॉलीवुड इंडस्ट्री में करते हैं, नियर अबाउट उतना ही रिस्पेक्ट अजय अतुल को मराठी इंडस्ट्री में है। बट एट द सेम टाइम बॉलीवुड इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं अजय अतुल का उतना फुट होल्डिंग या उतना फर्मली वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाए हैं। सो होपफुली इस मूवी के साथ जो मूवी के डायरेक्टर हैं नागराज मंजुले या फिर अजय अतुल है, इन सबको एक बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि वो अपना हुनर लोगों के सामने रखें और लोग उसको अप्रिशिएट करें। इस मूवी का ये मूवी जब रिलीज़ होगा तब हम इस मूवी का रिव्यू करेंगे और हम हमारा ऑनेस्ट फीडबैक देंगे। बट अगर आपने अभी तक इसका ट्रेलर नहीं चेक किया तो आप इस ट्रेलर को ज़रूर चेक करें और फिर आप भी आपका फीडबैक हमारे इस वीडियो पर ज़रूर देना। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल @ वाइस मूवी रिव्यूज़। हम ऐसे ही मूवी रिव्यूज़, ट्रेलर रिव्यूज़ लेकर आएंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि क्या एक मूवी देखने लायक है या नहीं देखने लायक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप गिविंग योर सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स। हैव अ गुड डे एंड मे गॉड ब्लेस यू।